मो जाओ। देखो, मुझे आपकी स्माइल पसंद है, लेकिन ऐसी वाली नहीं, वो दूसरी वाली, ये कुछ अलग है। कुछ भी, आई एम जस्ट रियली हैप्पी। सो ऐसी ओ मैरिज की वजह से, पता है गौरी, शादी करने के बाद ना मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। काश ये बात सुरेश भाई भी कह पाते। जस्ट शट अप, ही इज वेरी हैप्पी। किसने बोला? जस्ट कॉल हिम अप एंड आस्क हिम, ही विल टेल यू। यार रफ अंडरस्टैंड, शादी के बाद बहुत अच्छा होता है। हमेशा तुम्हारा साथ देता है कोई। यू नो यू ऑलवेज शेयरिंग योर थॉट्स विद देम, यू ऑलवेज लुक अप टू समबडी। यू नो आई लुक अप टू मिस्टर अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो बहुत लंबे ना, सो आई लुक अप। ओके, अब क्या करूं? दैट्स नॉट वॉट आई मीन रव। यार प्लीज अंडरस्टैंड, हमेशा तुम्हारे साथ कोई रहता है एंड तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता है। एक सेकेंड, मम्मी ने आपको कॉल किया? मॉम? तेरी मॉम? नहीं यार, व्हाई विल आंटी कॉल मी? पागल है क्या? यस, क्योंकि आप जो ये शादी चालीसा पढ़ रहे हो ना, आई नो, जरूर किया होगा। यार प्लीज यार रव, दिमाग मत खराब कर। व्हाई, एक्सप्लेन टू मी व्हाई विल आंटी कॉल मी? इसलिए क्योंकि ये समझ नहीं रहा है कि शादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आंटी प्लीज, यू डोंट टेक स्ट्रेस, मैं उससे बात करूंगी, आई विल कन्विंस हिम। शाम तक आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। अरे नहीं 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 अब शादी के बाद ही गुड न्यूज के बारे में बोलना, हाँ? It will be so embarrassing for the family. आंटी, वो वाली गुड न्यूज नहीं, वो वाली गुड न्यूज जिससे गुड न्यूज आती है, शादी। क्योंकि शादी की बातें ना हमेशा वही करती, so I thought कि she called you. अरे नहीं, बेचारी की एज हो गई है, बट तुझे तो करियर बनाना है ना, पेरेंट्स का क्या है? देखो यार, ये सेंटी बातें तो आप मेरे साथ करो मत, ठीक है? मम्मी को चाहिए कि मैं अरेंज मैरिज करूं, और आपको तो पता ही है, इतने साल रहने के बाद नहीं पता चल पाता कि कौन कैसा है, मैं 15 मिनट में कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि शी इज द वन? 15 मिनट? हु सेड कि सिर्फ 15 मिनट बिताने हैं तुम्हें? यार जस्ट हैंग आउट विद हर, उसे कहीं बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, यू नो, स्पेंड सम टाइम। वाओ, बाहर घूमूं, हैंग आउट करूं, है ना, इतना टाइम किसके पास है? और यू नो कितने कोविड केसेस हैं मुंबई में, पता है ना आपको? गौरव, मुझसे ज्यादा ये कोई नहीं जानता। प्लीज ये शब्द ना जो तूने बोला अभी, कोविड, मेरे सामने बोल मत, वरना ये स्क्रीन से निकल के सर पे आएगा तेरे डायरेक्टली। अच्छा, सॉरी यार, आप तो जज्बाती हो गए। देखो मैं प्यार से समझाता हूँ, मैरिज इज नॉट माय कप ऑफ टी। क्यों? आई मीन इतना ख्याल रखते हैं लोग शादी के बाद एक दूसरे का, कितना केयर करेगी वो तेरे लिए, कितना अच्छा अच्छा खाना बनाएगी तेरे लिए। अरे तो उसके लिए तो शेफ भी रख सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। हाँ, और फिर उस शेफ से तुम वैलेंटाइन गिफ्ट भी लेना और एनिवर्सरी का गिफ्ट भी लेना, ठीक है? अरे तो वो तो मुझे भी देना पड़ेगा ना, और पहले तो साल में एक ही एनिवर्सरी होती थी, और आजकल तो देखो, रोका एनिवर्सरी, सुहागरात एनिवर्सरी, मेहंदी एनिवर्सरी, वैलेंटाइन एनिवर्सरी, अरे यार इतनी सारी एनिवर्सरी, एक मंथ की एनिवर्सरी डालते हैं लोग, और अभी तो मैंने देखा किसी ने एक हफ्ते की एनिवर्सरी डाली थी यार। मो अगर ये सब चलता रहा तो मैं एनिवर्सरी ही मनाता रहूंगा, अपना काम कब करूंगा, शूट पे ये टिकली चली जाएगी। अरे डोंट वरी, शादी के बाद तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। देखा, दैट्स माय पॉइंट। नो नो, व्हाट आई मेंट इज कि तुम वफादार हो जाएगा। वफादार नहीं, बेरोजगार। और आपको तो पता है मैं सिंगल बेड से रोज रात को गिर जाता हूँ, अब कोई साथ में सोएगा तो सीधा फ्लैट से नीचे गिरूंगा। यार प्लीज शट अप एंड टॉक सम सेंस। और मुझे एक बात बता कि आंटी का मन नहीं करेगा कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करे? बस यार मो, बस जैसे नई टी शर्ट के साथ टैग चिपका होता है ना, वैसे ही नई शादी के साथ बच्चा। अरे यार लड़की देखी नहीं, सेटल हुए नहीं कि सीधा सीधा बच्चे। एक काम करते हैं ना, उनका कॉलेज भी अभी डिसाइड कर लेते हैं कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, और हाँ उनका रोका भी डिसाइड कर लेते हैं कि कब होना है, और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि उनके रोके पे मैं क्या पहनूंगा। एक बात बताओ, 50 साल की उम्र में मैं वाइड में सूट करूंगा क्या? रब ये तेरी सार्कैज़म ना, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, इट्स हाई टाइम ना, मैरिज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इवेंट इन लाइफ। आई थिंक आप रेवेंज बोलना चाह रहे थे। नहीं, मुझे इवेंट ही बोलना था। फॉर द गर्ल? नो, फॉर द बॉय ऑल्सो। और तू मेरी बात सुन,
कान खोल के, मैं और आंटी तुझे प्रोफाइल्स भेजने वाले हैं लड़कियों के। By the year end, you better be married, or else ना, I'll kill you. एक मिनट, आपने तो बोला था कि आपकी मम्मी से बात ही नहीं, और आपने तो कसम भी खाई थी यार। कसम खाई थी, लेकिन किसकी खाई ये थोड़ी ना बताया मैंने। यार प्लीज नाउ स्टॉप क्रॉस क्वेश्चनिंग मी और तू मेरी बात सुन। यू गो एंड गेट मैरिड, ओके बाय। अरे यार ये लड़कियां कसमें तो ऐसे खाती हैं कि जैसे अचार खा रही हैं। बंदे की लाइफ है यार, मेरा भी कोई हक बनता है। स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड गेट मैरिड, स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड गो टू स्कूल, स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड गो टू कॉलेज, स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड गेट मैरिड। क्यों यार क्यों, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, जब करनी होगी तब करूंगा। एनीवेज आप ये सब छोड़िए, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई एम विद रव, और अगर आप लोग मोहिना के साथ हैं यानी कि मो के साथ हैं तो टाइप कीजिए आई एम विद मो। एक कंपटीशन कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा। सो कमेंट बॉक्स में मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शादी कर लीजिए, और अगर हो गई ये तो थोड़ी सी और कर लीजिए यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।